और खबर मेरठ से, सुभारती यूनिवर्सिटी में एसटीएफ की रेड पड़ी है। नेट परीक्षा को लेकर एसटीएफ की छापेमारी हुई है। कंप्यूटर स्क्रीन शेयर कर हुई थी नकल। एसटीएफ ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मेरठ में सुभारती यूनिवर्सिटी पर एसटीएफ की रेड हुई और नेट परीक्षा को लेकर यह छापेमारी की गई। कंप्यूटर स्क्रीन को शेयर करके चीटिंग हुई थी, नकल हुई थी और इसके लिए एसटीएफ ने दो आरोपियों को यहां से हिरासत में भी लिया है। और अब एसटीएफ इनसे पूछताछ करेगी और पता लगाएगी कि आखिर नकल का ये रैकेट कहां तक फैला है, कौन से और लोग इसमें जुड़े हुए हैं और उनके तार कहां कहां जुड़ते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करके नकल करवाई गई थी और इसके लिए दो आरोपियों को एसटीएफ ने हिरासत में लिया है। ऋषभ मणि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, और क्या जानकारी एसटीएफ के हवाले से? आप तक आवाज पहुंच रही ऋषभ मणि, क्या अपडेट इस पूरे मामले पर? देखिए, अभी तो इस बात का खुलासा हो गया है कि नेट यूजीसी की जो नेट परीक्षा है उसमें सेधमारी की गई है। मेरठ के सुभारती यूनिवर्सिटी में जहां पर एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया था वहां पर एक गोपनीय सूचना एसटीएफ को मिली थी। एसटीएफ ने छापेमारी की थी और एक बात सामने आ गई है कि एग्जामिनेशन लैब के सर्वर रूम से लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए एक्स्ट्रा एडमिन कंप्यूटर मिला, जिस कंप्यूटर की वहां पर जरूरत नहीं थी, जो एग्जाम के वक्त वहां नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां पर एक एक्स्ट्रा कंप्यूटर मिला। सर्वर रूम में दो लैपटॉप मिले हैं जिनमें एनी डेस्क रिमोट एक्सेस टूल मिला है। ये बात अभी तक सामने आ रही है कि रिमोट एक्सेस के जरिए कुछ अभ्यर्थियों के जो मॉनिटर थे वो किसी और के पास थे, जो बताया जा रहा है कि बाहर किसी सॉल्वर से जुड़े हुए थे और वो सॉल्वर ही इन अभ्यर्थियों के जो एग्जामिनेशन पर्चे थे उनको सॉल्व कर रहा था। और एक वहां पर कर्मचारी मिला है जिससे मोबाइल में चार अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और उनके सिस्टम का जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस भी मिला है। और ये आईपी एड्रेस सेंटर के बाहर एक व्यक्ति को शेयर भी किया गया है और इन अभ्यर्थियों का जो स्क्रीन था वो भी उसी को शेयर किया गया है। तो कुल मिलाकर ये चीज सामने आ रही है कि यूजीसी नेट की परीक्षा में सेधमारी की गई है। अब आगे विधिक कार्रवाई चल रही है, किसकी कितनी जिम्मेदारी है उसके हिसाब से उसकी बिल्कुल। और ये भी पता लगाया जाएगा कि ये बात सिर्फ सेंधमारी तक सीमित है या फिर व्यापक तौर पर इस नकल का उपयोग हुआ है। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए।